देश में कोविड संक्रमितों की संख्या में फिर से इजाफा होने लगा है और वायरस के बढ़ते आंकड़े डराने लगे हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 3,205 नए केस सामने आए हैं और वायरस से 31 लोगों की जान चली गई है। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 19,509 हो गई है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बाद केंद्र सरकार भी एक्शन में है। आज से केंद्र और कोरोना वायरस एक बार फिर से यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली समेत भारत के कई राज्यों में अचानक काफ़ी तेजी से फैलने लगा, जिसके कारण सरकारें भी चिंतित हो गई हैं। आज काफ़ी बड़ी मीटिंग मोदी सरकार ने कोरोना की बढ़ती हुई रफ्तार पर की, जिसमें मास्क को अनिवार्य किया गया, साथ ही साथ वैक्सीनेशन का कार्य तेज किया गया। कोरोना की चौथी लहर भारत में आ चुकी है, इसकी शुरुआत हो चुकी है, ऐसा मंत्रियों का कहना है। इसके साथ ही साथ IIT कानपुर समेत WHO ने भी कोरोना की चौथी लहर की भविष्यवाणी कर दी। आपको बता दें, कोरोना की नई लहर में उनको सबसे ज़्यादा खतरा बताया जा रहा है, जिन्होंने अभी भी वैक्सीन नहीं लगवाई। बच्चों और बूढ़ों में काफ़ी ज़्यादा खतरा बढ़ रहा है, जिसके कारण इनमें वैक्सीनेशन का कार्य काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है।